And apparently, सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या बोलती है पब्लिक? आ चुके हम लोग हैशटैग ब्लॉग नंबर 18 में। सो फिलहाल अभी गाइस बज रहे हैं सुबह के 11, यानी दोपहर बजने में अभी एक घंटा बाकी है। इससे पहले मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। सो गाइस, अभी का प्लान कुछ खास तो है नहीं, क्योंकि अभी मैं अपना काम कंप्लीट करके आया हूँ। मतलब यार वही नहीं यार कि हमेशा ब्रश ही करता रहता हूँ, क्या कुछ और भी काम रहते हैं मेरे पास, वो भी कंप्लीट करा हूँ। फिलहाल मैंने ब्रश व्रश करके नाश्ता वास्ता कब का कर लिया है, सुबह 8 बजे का कर लिया है मैंने। हाँ नहीं तो पूछना है तो मम्मी जी से पूछ सकते हो आप लोग। मम्मी जी बताओ सच सच। झूठ, बिल्कुल झूठ। ये अभी उठे हैं 10 बजे। और क्या, 10 बजे उठा हूँ। 9:30 बजे जाके कौन लेके आया? नाश्ता करके आया हो, चलो दिखाती हूँ। अभी नाश्ते में प्लेट रखे ही हो जस्ट, क्यों कह रहे हो? तो क्योंकि आपने बर्तन नहीं धोए ना अभी तक, इसलिए। बर्तन नहीं धोया, और भी काम होते हैं। तो So guys, उड़ के ठीक है, सीधे दास्ता थोड़ी ना कर लेनी होती है। अच्छा मतलब ब्रश नहीं करता हूँ। आज बेडशीट भी चेंज करनी थी। किया नहीं? ये बेडशीट चेंज तो किया आपने। तुमने थोड़ी ना किया, मैंने किया। मैं कब करता हूँ बेडशीट चेंज? तो फिर क्यों कह रहे हो? मेरे को गुस्सा मत दिलाओ। उठना बोला करो, 8 बजे उठा तू बता। हाँ उठा नहीं, मैं 5 बजे उठा हूँ। पापा ड्यूटी गए इसलिए खाली ऐसे कॉल करने के लिए उठते हो। उठा तो कुछ लोग तो तब भी नहीं उठते ना। बात कर रही हो? नहीं तो आगे मेरे से जरा शकल दिखाओ अच्छी वाली। शकल अभी कोई काम वो नहीं की हूँ, शकल दिखाओ। देख रहे हो मम्मी कितनी प्यारी लग रही है मेरी मम्मी। अभी सिर्फ मम्मी उठ के ब्रश करके मुंह धो के, वैसे तो मम्मी सुबह के 3 बजे की उठी हुई है, ऐसा नहीं है कि अभी उठी है। मम्मी जी 3 बजे की उठी है। अब आप लोग सोचोगे यार खास ऐसा कुछ तो है नहीं, जो 3 बजे उठने का क्या मतलब है। तो पापा जी के सुबह ड्यूटी जाने का टाइम हो गया था, क्योंकि अभी पापा जी इस दिन में दिवाली के टाइम पे रेस्ट पे थे, लेकिन अब से आज ही से ड्यूटी उनके उन्होंने ज्वाइन की है, इसलिए उन्होंने 3 बजे जाना पड़ता है। तो पापा जी को 5 बजे जाना पड़ता है ड्यूटी, इसलिए मम्मी 3 बजे उठ के खाना वाना बनाती है, पूरा पैक वैक करना होता है, तो इसलिए मम्मी जी 3 बजे उठी थी। अब हर दिन एक एक दिन छोड़ छोड़ के मम्मी जी को 3 बजे ही उठना है। कल नहीं उठ। अच्छा 3 बजे देखो। हाँ। आज उठी, आज मतलब 3 बजे मैं उठी और रात के 1 बजे सोएंगे। हाँ। 1 या 2 बज जाता है। 2 बज जाता है, पापा जी के आते हैं उस टाइम तक। हाँ। बस पूरे दिन रेस्ट रहता है। हाँ। फिर रात में फिर हमें 3 बजे उठना है। हाँ। कहाँ? वही तो मैं कह रहा हूँ। अब जैसे आज 3 बजे उठी। हाँ। फिर आज 2 बजे तक सोओगी, ठीक ऑलमोस्ट, मतलब मानो कि मैक्स टू मैक्स 2 बजे तक तो सो ही जाते हैं हम लोग। हाँ। पापा जी का रात की बात कर रहा हूँ गाइस, रात की, दोपहर की नहीं। उसके बाद फिर अगले पूरा दिन आपको, उसके अगले दिन तो मतलब वही नॉर्मल रूटीन, फिर अगले दिन उसके 3 बजे आपको फिर उठना है। मतलब आज रात में नहीं उठूंगी, कल रात में फिर उठूंगी 3 बजे, 3 ही बजे उठती हूँ मैं। सो मम्मी का यही अब से डेली रूटीन चल चुका है, एक एक दिन छोड़ छोड़ के मम्मी जी को 3 बजे उठना है, क्योंकि पापा जी की ड्यूटी वैसे टाइम की है। पापा जी को उसी टाइम जाते हैं ड्यूटी, तो इसलिए 5 बजे गाड़ी जाते हैं इसके चक्कर में, और फिर रात के करीबन आते हैं ऐसे ही चाहते हैं। वैसे तो नॉर्मली 12 बजे आते हैं, लेकिन आजकल ठंड है तो 1 बजे 1:30 बजे तक आते हैं। ऐसा कुछ हो नहीं है, गाड़ियों के ऊपर है, जितना हिसाब से गाड़ी होगी उस हिसाब से आ जाते हैं। वैसे तो पापा जी के आने का टाइम 11:30 बजे तक का ही है, लेकिन आते नहीं है, वो अलग बात, अपना काम वाम कम्प्लीट करते हैं, गाड़ी भी लेट हो जाती, ठंड का टाइम है, वो भी आपको पता ही है, ओस ओस गिर रहा है इसके चक्कर में, कोहरा वोरा। सो मम्मी आप मुझसे नाराज हो ना? नहीं नाराज हो आप? नहीं नाराज हूँ, नाराज काय बात की होऊंगी, नाराज हो आप? अरे हटो नाराज, अगर तू कह रहा है तो हो जा रही हूँ नाराज। हटो बर्तन धो दो, नाश्ते के बर्तन पड़े हैं, नाश्ते के ही पड़े हैं। सो अभी मम्मी जी ने अपना पूरा खाना वाना भी बना ही दिया होगा, झक के आता हूँ। सिर्फ पापा जी के लिए आपने बनाया था, हमारे लिए नहीं बनाई हो? तुम्हारे लिए अब बनाऊंगी ना, तुम्हारे लिए नाश्ता बना है, उनके लिए खाना बनता है ना, पूरा नाश्ता और खाना दोनों बनता है। अच्छा। सो गाइस एक छोटी सी क्लिप्स हम वीडियोस बना रहे हैं 5-5 मिनट का, तो आप लोग को ये वीडियो में थोड़े मम्मी और बेटे की बहसबाजी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दें। यार आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, प्लीज गाइस सपोर्ट करो यार, चैनल सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो ना करो वो डजंट मैटर, मेरे को कोई मैटर नहीं करता कि आप सब्सक्राइब करो ना करो, अगर आपको पसंद आएगा तो आप सब्सक्राइब अपने आप ही कर लोगे, लेकिन वीडियो को थोड़ा सा वॉच करा करो। 5 मिनट की वीडियो, 5 मिनट में तो कुछ नहीं होता आजकल गाइस, 300 सेकंड में तो आप लोग ऐसे ऐसे फनी वीडियोस देख लेते हो, इससे अच्छा इसे देखो, थोड़ा सा सपोर्ट किया करो यार गाइस प्लीज। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग वीडियो में, बाकी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ कि आपका भी टाइम ज्यादा ना लगे,
और मेरे को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रहे बनाने, क्योंकि मैं 10 मिनट 12 मिनट की वीडियो बना दूं फिर कोई देखता नहीं है, उसको एडिट करने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए फिर कोई देखता नहीं है, 2 व्यूज 3 व्यूज 4 व्यूज आते हैं उससे फिर अलग गिर जाता है मोटिवेशन, इसलिए मैं 5 मिनट की बनाता हूँ। बेटा मेहनत करते रहो, मेहनत बस मैं यही आके रोता हूँ, मम्मी सिर्फ एक मेरा सपोर्ट है, सुबह सुबह सिर्फ मम्मी की कमेंट आता है ना इस वीडियो मम्मी। ऐसा नहीं है बेटा, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। नाइस वीडियो जी, सुबह सुबह कमेंट आता है सिर्फ मम्मी की तरफ से नाइस वीडियो। तो क्या हो गया बोलो, भी देखेंगे भाई। आप लोग कमेंट ही जरूर करा करिए और वीडियो को जरूर देखिए प्लीज, हमारा रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक बार देखा जरूर करिए, एक बार भी देख लिया करिए। ओके गाइस बाय।